इलाहाबाद की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो याद नहीं आती, क्योंकि इलाहाबाद जो प्रयाग जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बचपन बीता, जहाँ मैंने अपने पिता अपने गुरु पंडित भोलानाथ जी से संगीत सीखा, और वो छोटी सी मेरी शैतानियाँ छोटी छोटी, जिसमें से छोटी बांसुरी लेके मैं रियाज करना, और उसके बाद फिर बड़ा हुआ, फिर कॉलेज में एक बांसुरी वाले के नाम से फेमस हो गया, और बस अब आपके सामने हूँ। बचपन में जो रियाज किया वो सब किया, आप लोगों के सामने शैतानी कर करके खूब रियाज किया, बस यही। बदमाशियाँ कह लीजिए, उस टाइम बहुत तो ध्यान नहीं, लेकिन 3 साल की उम्र में मैं जब छोटी बांसुरी लेकर एक उनके बजाए हुए रागों को सुनता और कोशिश करता बजाने की, क्योंकि ना कोमल स्वर का पता था ना शुद्ध स्वर का पता था, बांसुरी उठा ली और बजाने की कोशिश करने लगा। उनका कमरा और हमारा कमरा थोड़ा अलग अलग था, तो बीच में एक विंडो थी जहाँ पे मैं जुगत लगा के तकियों की, और मैं वहाँ पहुँच जाता था और उनको सुनता था, और बजाने की मतलब ऐसा बजाता था कि कोशिश करता था कि साउंड उनके तक ना पहुँचे कि डांट पड़ सकती है। तो वो बजाते हुए मैं कोशिश करता था, और बजाते बजाते मैं वही सो जाता था, और पूरा घर ढूंढता होता था कि मैं हूँ कहाँ। तो वो शैतानी चलती रही। शैतानी क्या थी, बस वो संगीत का एक प्रेम था, बांसुरी का एक प्रेम था, और इच्छा थी कि बांसुरी सीखूं अपने पिताजी से, लेकिन डर भी था कि इतनी छोटी उम्र में मैं उनसे क्या पूछूंगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठ के सीखते होते थे। तो वो चीज़ चुपचाप बस ऐसे जुगत से सीखता रहा। जब बड़ा हुआ तो फिर उन्होंने प्रॉपर सिखाना शुरू किया। जी जिनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, भैया बोलता हूँ, और बांसुरी के भगवान बोलता हूँ, उनके साथ जब भी मेरा रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे बड़ा कलाकार जो हमारे घर में सीखे, पिताजी पंडित जी भोलानाथ जी से सीखे, तो वो मैं मेरा सौभाग्य कि मैं उस घर में पैदा हुआ, और पंडित जी के साथ रहने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार तो उनके साथ पीछे बैठ के मैंने थोड़ा सा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुमने बैठना है, तो मैंने कहा कि भैया आपके सामने तो मैं बैठ तो क्या मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं बैठना है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए स्टेज पर था, और मुझे उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, और जब भी वो मिलते हैं मुझे बिना खाना खाए जाने नहीं देते, मैं उनसे उनके गुरुकुल मिलने जाता हूँ, या कहीं होटल में मैं मिलने जाता हूँ, कहीं कार्यक्रम में वो आए होते हैं, तो इतना इतना प्रेम, जैसे कि एक बड़ा भाई, एक बाप, एक पिता समान, एक गुरु समान, कि मतलब कि ऐसा प्रेम मैंने देखा नहीं। मैं पिताजी के कार्यक्रम के लिए उनको कभी मैं बोलता हूँ भैया आपके आशीर्वाद से मैं पिताजी के नाम से कार्यक्रम कर रहा हूँ, हाँ हाँ करो मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा कि कब है, कब आना है,
क्या करना है, वो बस कहते हैं कि बस मुझे डेट बता दो, मैं आ रहा हूँ, और वो आ जाते हैं। ये बड़े भाई का और मतलब कि हमारे पिताजी का प्रेम कह लो उनके लिए, कि वो खुद ही भागे हुए चले जाते हैं और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये सच है क्योंकि बांसुरी सुन के लोग सोच, अरे नहीं नहीं, क्योंकि हर हर कार्यक्रम में, स्कूल के सारे कार्यक्रम में सबसे पहले मेरा नाम आता था कि भाई उसको बजाना है, पहले सोलो बजाना है, फिर उसके साथ हर किसी के साथ बजाना है, हर कॉम्पिटिशन हम फर्स्ट लेके आते थे, ये पता नहीं क्या था, अब तो इसलिए नंबर हमें मिल जाते थे। ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली, एक बड़ा नाम साथ में जुड़ा रहने से आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी उस चीज़ को सोचता है कि भाई कम से कम तो अपने पिताजी के बराबर बजाए, कम से कम, और वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बजाना मुश्किल काम है और ऐसे महान गुरु और ऐसे महान कलाकार के लिए उनका जैसा बजाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा बजाऊँ, लेकिन दिल्ली आने के बाद, अपने कार्यक्रम देने के बाद कोशिश करता रहता हूँ कि प्रेम मिले, और प्रेम मिलता है ऑडियंस से, सभी से प्रेम मिलता है, और
कुछ नए नए करने की कोशिश करता हूँ ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे, और विदेशों में भी कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको और भी अच्छा लगे कि इंडियन क्लासिकल कैसे थोड़ा सा अलग समझ सकता है। तो वो कोशिश करके आज आप लोगों के सामने हूँ। ये तो मेरी तकदीर अच्छी है मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि चार नहीं तीन बार मुझे ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। एक बार शुजात भाई के साथ एक हमारा एल्बम थी जिसमें कॉटियन करके एक सिंगर है उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन था, वो हमारी एल्बम गई। और एक एल्बम अनुष्का शंकर के साथ, इवन दो एल्बम अनुष्का शंकर के साथ, और हमारी एल्बम जो नॉमिनेट हुई। और इंतजार कर रहा हूँ कि कब ग्रैमी मिल जाए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा जरूर मिलेगा। इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता कि मैं नॉमिनेशन में ही इतनी खुशी है, तो ग्रैमी जब मिल जाएगा तो आप लोगों के आशीर्वाद से तो क्या होगा। जी एक्चुअली बांसुरी जो हम लोग क्लासिकल बजाते हैं और डेप्थ के लिए बजाते हैं, मेडिटेशन के लिए बजाते हैं ताकि वो एक फील अलग दे। और छोटी छोटी बांसुरी हम लोग ले लेते हैं कि थोड़ा सा लाइट क्लासिकल हो जाए और ऑडियंस को थोड़ा सा हैप्पी लगे और एनर्जी आए।
तो वही आप ये देखिए, छोटी बांसुरी जो हम लोग प्रोग्राम में करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा लाइट रंग की छोटी बांसुरी नटखट फ्लूट इसको हम लोग बोलते हैं और ऑडियंस की तरफ से प्रेम मिलता है। ये दोनों में फर्क है। मैंने बचपन में बहुत फिल्मी गाने बजाए हैं और अभी भी कोशिश करता हूँ लेकिन छूट गई है आदत। और छोटी बांसुरी में बजाता था मैं, लेकिन अभी बड़ी बांसुरी सुना देता हूँ मैं आपको। मेरा बचपन का एक बहुत फेवरेट गाना था, और रही बात फिल्मों की, फिल्मों की रिकॉर्डिंग मैं करने जाता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ और काफ़ी फिल्मों में बजाया और दिल्ली में भी फिल्म के गाने आ जाते हैं मेरे पास डबिंग के लिए, तो मैं यहीं डब करके भेज देता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेन क्लासिकल रहे मेरा, जिसमें मेरा दिल लगा हुआ है, जिसके लिए मैं इलाहाबाद से बड़े शहर में आया। ये मेरा दिल है, ये मेरा प्रेम है क्लासिकल। Oh,